हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 फीट बाई 67 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में, जिसको हमने 2 BHK विद कार पार्किंग प्लान किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप के प्लान हम आपके लिए रोज रोज अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है, थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। आउटर वॉल हमने 9 इंच में ली हुई है और अंदर वाली पार्टीशन वॉल हमने 4.5 इंच में ली हुई है। इस प्लान को हमने मिस्टर धर्मवीर जी के लिए प्लान किया हुआ है, जो कि अलीगढ़ से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, ये 9 फीट चौड़ी एंट्री रहेगी। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे, सामने पर हमारा पार्किंग स्पेस रहेगा, जो कि हमारा 8 फीट 1.5 इंच बाई 19 फीट 6.5 इंच का रहेगा। इसी स्पेस से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और ये जो हमारा एरो लगा हुआ है, इस टाइप से ऊपर की ओर चला जाएगा। फ्रंट पर आप देखेंगे, इस कॉर्नर में हमने एक कॉमन टॉयलेट प्लान किया हुआ है, जिसमें कि हमारा टॉयलेट सीट भी रहेगा और हमारा शावर भी रहेगा। हैंड वॉश के लिए हमने वॉश बेसिन भी इसमें दिया हुआ है। 4 फीट बाई 7 फीट का ये स्पेस रहेगा बाहर से बाहर गेस्ट के लिए। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये हमारा ड्राइंग रूम है। दूसरी एंट्री आपके लिए यहाँ से मिलती है, सीधा घर के अंदर जाने के लिए। तो ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। इसका जो साइज है ड्राइंग रूम का, वो 8 फिट बाई 15 फिट रहेगा, जिसमें ये सिटिंग रहेगा हमारा। इस वॉल पर टीवी यूनिट रहेगा। यहाँ विंडो रहेगा इसका वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से आप ड्राइंग हॉल के लिए कूलर भी आसानी से लगा सकते हैं, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है। एक विंडो आपका यहाँ रहेगा पार्किंग की तरफ, जिससे घर के अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। ये जो एंट्री करते ही हमारा लॉबी एरिया रहेगा 8 फिट बाई 15 फिट 2 इंच का। इस लॉबी एरिया के जस्ट सामने हमारा किचन रहेगा, 8 फिट बाई 8 फिट का ये हमारा किचन है। यहाँ से आप देखेंगे, ये हमने ओपन एरिया दिया है किचन के वेंटिलेशन के लिए। इसके ऊपर हमारा जाल रहेगा, जिससे किचन का धुआं वगैरह ऊपर की ओर निकलता रहेगा। किचन में ये हमारा प्लेटफॉर्म है, एल टाइप हमारा प्लेटफॉर्म है। ये गैस स्टोव है, इस तरफ हमारा सिंक रहेगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमने 4 फिट का पैसेज दिया है। इस पैसेज से आप एंट्री करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है 12 फिट बाई 11 फिट का, जिसमें ये बेड रहेगा, ये टीवी यूनिट, और यहाँ हमने विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। बैक साइड में हमारा ओपन टू स्काई यानी ओपन एरिया रहेगा वेंटिलेशन के लिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा टॉयलेट ब्लॉक आ जाता है। तो यहाँ से ये हमने पैसेज दिया है, इस पैसेज से आप एंट्री करेंगे, तो ये हमारा WC रहेगा 4 फिट बाई 4 फिट का, और यहाँ हमारा 4 फिट बाई 7 फिट का बाथरूम रहेगा। ये बाथरूम का शावर है, और इस बाथरूम में ये हमने एक वॉश बेसिन लगाया हुआ है हैंड वॉश के लिए। यहाँ हमने एक गेट भी दिया हुआ है ओपन टू स्काई में जाने के लिए। तो यहाँ से आप नहाएंगे और अपना अंडरवियर वगैरह यहाँ आप डाल सकते हैं, जिससे कि वो सूख सके और यहाँ आपको आने की कोई ज़रूरत ना हो, छत पर भी आप ना जा पाए, इसीलिए आप यहाँ से, यहाँ हमने इसका प्रोविजन दे रखा है। और वेंटिलेशन भी इसका इसी में रहेगा ओपन टू स्काई में। यहाँ आप देखेंगे, सबसे लास्ट में हमने एक बेडरूम प्लान किया हुआ है, जो कि 16 फिट 6 इंच बाई 12 फिट का बेडरूम है। बेडरूम में ये हमारा बेड, यहाँ हमने वार्डरोब दिया है, ये हमारा 2 सीटर सोफा भी रहेगा इसमें, और ये टीवी यूनिट, यहाँ इसका विंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी शानदार प्लानिंग विद प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ हमने इसको किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये प्लानिंग अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर का नक्शा या प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए दोनों नंबर ऊपर दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।